दादा राम राम। हाँ राम राम साहब, आप कहाँ से आए साहब? मेरा नाम अरविंद है और मैं आशा संस्था रतलाम से आया। क्या काम कर रहे हैं आज आप? ये साहब मूंग की तुड़ाई कर रहे हैं। मूंग की तुड़ाई कर रहे हैं? हाँ। ये आपका नाम क्या है? जी संतिला। सर कहाँ के रहने वाले हैं? गांव हरतली। हरतली। दादा आप ये मूंग की तुड़ाई कर रहे हैं तो इसके लिए आपको क्या क्या सामान लगता है? जैसे कि टोकरी है। अच्छा। जैसे हाथ से अपन तोड़ सकते हैं। जैसे कपड़ा अगर हो तो दो। दादा आपने ये मूंग कब लगाया था? यही साहब जो बारिश का पानी आता है जैसे कि जून में आता है। अच्छा। तो जून जून में लगाई थी। जून जुलाई में लगा। हाँ। अच्छा तो दादा आप ये मूंग की फली कब से तोड़ना स्टार्ट करते हैं? तोड़ना तो कब से जैसे कि वो एक आध दो दिन में मतलब ऐसी काली फली हो जाएगी। अच्छा। जाएगी। बाकी ये ऐसी काली फली होने हो चुकी है तो उसको तोड़ना जरूरी है। अच्छा। बहुत जरूरी है। तो काली फली को ही तोड़ते हैं तब लगता है कि ये पक गई है। हाँ। काली होने पर। अच्छा तो तोड़ने के बाद फिर क्या करते हैं आप? साहब इसको धूप में सुखाना पड़ता है। सुखाना पड़ता है। हाँ। अच्छा तो दादा आप ये मूंग एक साथ नहीं तोड़ते क्या? एक साथ में नहीं तोड़ सकते अपन। अच्छा। ये क्या है कि आगे पीछे आती है। जैसे कि काली फली अपन तोड़ लेते हैं, ये हरी फली जो दिख रही है। हाँ हाँ। लेगा तो फिर दूसरी फली भी इसमें आ सकती है। अच्छा तो जैसे पौधा बड़ा होता जाता है वैसे वैसे फलियां लगती जाती है। अच्छा अच्छा तो ये पकी हुई फली यदि हम नहीं तोड़ेंगे तो क्या होगा? पकी हुई फली को तोड़ना बहुत जरूरी है क्योंकि ये जब धूप आती है ना तो इसको ज्यादा सूख जाती है यहाँ पे। अच्छा। तो ऐसे वो दाने निकल जाते हैं। अच्छा। फली तो चटक जाती है। अच्छा। इसको तोड़ना मतलब जरूरी है। आप ये फलियों को किस समय तोड़ते हैं? शाम को या सुबह को। अच्छा। दिन में अगर तोड़ेंगे तो धूप जो रहती है ये फली जो कड़क रहती है। अच्छा। हो जाती है तो चटक जाती है। अच्छा तो दोपहर के समय में नहीं तोड़ते। दोपहर के समय में नहीं तोड़ते इसको। दादा आप बता रहे थे कि हम ये इस तरीके से काली हो जाए, पीली भी फलियां हैं तो आपने इससे कुछ नुकसान तो नहीं होगा? कैसे क्या होगा? इससे नुकसान नहीं होगा क्यों? अच्छा मतलब पक चुकी है। पक चुकी है। इसको सिर्फ अब धूप की जरूरत है। अच्छा। पौधे की जरूरत नहीं है इसको क्योंकि अगर काली फली तोड़ेंगे तो रोजाना तोड़नी पड़ती है। अच्छा। मतलब दूसरे दिन तोड़नी पड़ती है ना, रोज तोड़नी पड़ती है। अब रोज न रोज चक्कर कौन काटे है ना, तो एक ही चक्कर में दो काम हो सकता है, ये भी तोड़ ले काली भी और ये जो पीलेपन पर आ जाती ये भी तोड़ ले। इससे क्या है कि ये जो है धूप में रख देंगे सब साथ में। अच्छा। तो ये जो है काली पड़ जाएगी। काली हो जाएगी। इससे कोई नुकसान नहीं है। अच्छा। ये तो दाना पक चुका है। अच्छा तो आप इसमें कितनी तुड़ाई कर चुके हैं अभी तक? दो बार तुड़ाई करी अभी तक। तो कितने किलो तक कर चुके हैं आप अभी एक बार में? मतलब हो सकती है अगर पानी अगर मिलता रहे। अच्छा। पानी अगर मिलता रहे तो मतलब चार पाँच छः बार हो सकती है। छः बार मतलब ये तो पानी अगर मिलता रहे ना तो जैसे ये हरी है बाकी फिर भी इसमें तैयारी आने की दूसरी फली भी आने की तैयारी। अच्छा। हो रही है। अच्छा। ये देखिए दूसरी फली भी आने की मतलब फूल वगैरह आते रहते हैं पर पानी मिलना चाहिए इसको। तो दादा आपने जो मूंग बोया है तो एक किलो बोया है आप जैसा बता रहे हैं तो इससे कितनी फसल होगी, कितना उत्पादन हो जाएगा? 50-60 किलो के लगभग से आ जाएगी। पक्षी वगैरह बैठते हैं वगैरह तो फायदे हैं। नुकसान किससे होता है? इस खाल भूस से ये जो है ना। अच्छा तो आपने अभी हमें ये मूंग की तुड़ाई के बारे में बताया तो इसमें क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए? ये सुबह शाम तोड़नी चाहिए, दिन में नहीं तोड़नी चाहिए। दिन में अगर तोड़ेंगे तो उसको तोड़ सकते हैं, बाकी वो आहिस्ता तोड़ना चाहिए क्योंकि उसको धूप लगी हुई रहती है, फली कड़क हो चुकी है। अच्छा। हो जाती है तो तोड़ने समय तोड़ते समय उसको आहिस्ता तोड़नी चाहिए बिफोर के टाइम। अच्छा। ताकि शाम सुबह में अपन इसको तो तोड़ सकते हैं। अच्छा तो दादा आपने ये मूंग के साथ मक्का वगैरह और तिल भी दो तीन फसलें लगाई है तो इससे मूंग की फसल को कोई नुकसान तो नहीं होता? इससे
मूंग को नुकसान नहीं होता है, फायदा होता है। क्या है कि पक्षी बैठते हैं अच्छा, तो इल्ली को खत्म करते हैं। अच्छा, ये मक्का की फसल पे हाँ, जैसे पक्षी बैठते हैं अच्छा, तो इल्ली के वास्ते बैठते हैं। अच्छा, पक्षी बैठते हैं, इल्ली के वास्ते बैठते हैं, इल्ली खत्म करते हैं। तो दादा, अभी आपने जो मूंग की तुड़ाई की है, तो इसके बाद आप क्या करते हैं इसको? ये जो फली हमने खेत में से तोड़ कर लाए हैं अच्छा, इसको हम तो ये जैसे कुछ सूखी है हाँ। तो सूखी फलियों से निकाल के पीली फली अलग करके क्या आप इनको फिर से सुखाते हैं? नहीं, ये एक ही साथ में सूख जाएगी। सूख जाती है एक ही साथ में सूख जाएगी ये, तो मतलब ये इसको एक धूप की जरूरत है। अच्छा, इसको एक धूप की जरूरत है, बाकी इसको इसको दो धूप की जरूरत है। अच्छा। दो धूप लगा लेंगे टोटल को। अच्छा, तो एक ही साथ में काम हो जाएगा। अलग अलग में क्या है कि परेशानी आती है, एक ही साथ काम, दो धूप लग जाएगी तो एक ही साथ में काम हो जाएगा, जैसे काली हो जाती है। अच्छा, है ना, धूप में काली, एक आध दो धूप में ये काली हो जाती है। इसको फिर हम एक लकड़ी लेके कुछ भी कूटते हैं, हाँ कूटते हैं, जैसे छोटा मोटा ऐसे लेके इसको कूट के दाने निकाल लेते हैं। अच्छा दादा, अभी आपने हमें मूंग की तुड़ाई के बारे में जो उपयोगी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी जी।